Hello everyone, hope you all are good. Welcome to English class. My name is Devki and today we shall study our next topic of English grammar and the topic is conjunctions. So, आज हम अपने English grammar के next topic के बारे में पढ़ेंगे और हमारा आज का topic है conjunctions. But before starting with the topic, I will read some sentences that I have written over here. Topic start करने से पहले हम कुछ sentences को read करेंगे जो मैंने यहाँ पर write किए हैं. So the first sentence is, Kailash and Gopal are friends. कैलाश और गोपाल फ्रेंड्स हैं. नाउ द सेकेंड सेंटेंस, ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड. वो पास हो गया लेकिन उसकी सिस्टर फेल हो गई. देन द थर्ड सेंटेंस इज, ही स्लेप्ट आफ्टर ही फिनिश्ड द वर्क. वो अपना काम पूरा करने के बाद सोया. नाउ कैन यू सी द वर्ड्स दैट आई हैव रिटन विद येलो चॉक. क्या आप उन वर्ड्स को नोटिस कर सकते हो जो मैंने येलो कलर चॉक से राइट किए हैं. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि ये सारे वर्ड्स को मैंने दो सेंटेंसेस को, दो नेम्स को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज किया है. यस, लाइक द फर्स्ट वन, मैं कैलाश और गोपाल के बारे में बात कर रही हूं तो मैंने दोनों को एंड वर्ड की हेल्प से ज्वाइन किया है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अबाउट देम. बिकॉज मैं उन दोनों को ज्वाइन करके उनके बारे में एक ही बात बोलना चाहती हूँ. सेकेंड सेंटेंस में मैंने बट की हेल्प से फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस को ज्वाइन किया है एक कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए. मीन्स जो मैंने पहले बोला है और जो सेकेंड सेंटेंस में बोला है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. देन इन थर्ड सेंटेंस में भी मैंने आफ्टर वर्ड का यूज किया है फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड सेंटेंस को ज्वाइन करके. यस, जैसे मैंने बोला ही स्लेप्ट, वो सो गया, ही फिनिश्ड द वर्क और उसने अपना काम पूरा किया. इन दोनों बातों को रिलेट करने के लिए मैंने आफ्टर वर्ड का यूज किया है. सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, द वर्ड्स दैट वी यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लॉजेस आर कॉल्ड कंजंक्शंस. तो हमारे कंजंक्शंस क्या होते हैं? यही वर्ड जिन वर्ड्स को हम दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, मिलाने के लिए यूज करते हैं वो हमारे कंजंक्शंस होते हैं. वर्ड्स लाइक बिकॉज, दो, ऑल्दो, टिल, इफ, एंड, सो एटसेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन करने के लिए या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए. मे बी हम किन्हीं दो चीजों के बारे में सेम चीज बोल रहे हैं तो हम उन दोनों को एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं. मे बी हम सेकेंड सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस का जो रिजल्ट होगा वो शो करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए. तो ये जो भी वर्ड्स होते हैं जो हम ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं those words are conjunctions. वो हमारे conjunctions होते हैं. Like if I say that I won the match because I practiced hard. मैंने इसीलिए मैच जीता क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी. तो मैंने अपनी पहली बात को दूसरी बात से ज्वाइन किया है विद द वर्ड बिकॉज, अपना रीजन बताकर. सो सच वर्ड्स आर कॉल्ड conjunctions. Now we will do a short exercise to understand this topic in a better way. अब हम एक short exercise करेंगे so that आपको ये topic और अच्छे से समझ आ जाए. So in this exercise you have to underline the conjunctions. आपको इस exercise में conjunctions को underline करना है. Means उन words को underline करना है जिनको आपने use किया है और join करने के लिए words या sentences को. So the first question is, he won because he worked hard. वो इसीलिए जीत गया क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी. Now in this sentence we are using the word because to join the first sentence and the second sentence. हम इसमें because का use कर रहे हैं. Because की help से हम reason बता रहे हैं कि वो क्यों जीता था.
So the word because is our conjunction. Second sentence. Tanvi is healthy though thin. Means Tanvi healthy hai. Halanki wo patli hai but wo healthy hai. In this sentence we are using the word though as conjunction. Hum is sentence mein do word ka help use kar rahe hain as a conjunction. हम यहाँ पे दो चीजों का कॉन्ट्रास्ट मतलब जो एक दूसरे से अपोजिट हो वो शो कर रहे हैं. जैसे वो हेल्दी भी है और थिन भी है तो जनरली ये बातें रिलेट नहीं करती बट बिकॉज हम इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं सो वी आर यूजिंग द वर्ड दो. थर्ड वन, अर्जुन और आर्या कैन कम विद मी टू द फेयर. अर्जुन या आर्या में से कोई भी एक मेरे साथ आ सकता है. नाउ इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग द वर्ड ऑल टू गिव अ चॉइस. हम अर्जुन और आर्या में चॉइस देने के लिए ऑल वर्ड का यूज कर रहे हैं तो ये भी हमारा कंजंक्शन है. फोर्थ वन, आई विल गो होम आफ्टर द क्रिकेट मैचेस ओवर. सो समवन इज सेइंग मैं घर तब जाऊंगा जब क्रिकेट मैच ओवर हो जाएगा. तो वी आर यूजिंग द वर्ड आफ्टर टू जॉइन अ फर्स्ट सेंटेंस टू द सेकेंड सेंटेंस. इन दोनों बातों को रिलेट करने के लिए हम आफ्टर वर्ड का यूज कर रहे हैं. सो द वर्ड आफ्टर इज अ कंजंक्शन. फिफ्थ वन, इफ यू फील हंग्री ईट द सैंडविच. नाउ इन दिस सेंटेंस यू फील हंग्री इज वन सेंटेंस एंड ईट द सैंडविच इज अनदर सेंटेंस. इन दोनों को रिलेट करने के लिए कि सैंडविच में और हंगर में क्या रिलेशन है वी आर यूजिंग द वर्ड इफ. सो इफ इज ऑल्सो आर कंजंक्शन. नाउ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कंजंक्शन शुड बी यूज इन बिटवीन द सेंटेंस. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कंजंक्शन को सेंटेंसेस के बीच में ही राइट करें. वो स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. Let's revise what we have learned today. So today we learned about conjunctions. आज हमने conjunctions के बारे में पढ़ा and we learned that conjunctions are those words that are used to join two words, sentences or clauses. Means conjunctions वो words होते हैं जो दो words को sentences को या clauses को join करने के लिए use किए जाते हैं. Words like and, but, or, although, though, still, until, till, etc. There are many more words that are used as conjunctions. So I hope you have understood today's topic. You will get its worksheet on ERP. So we'll meet again. Till then, bye bye and take care.